सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है हारिस और आप देख रहे हैं खोज डील और आपका स्वागत है हमारे एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है गर्मियों के लिए, उस चीज़ का नाम है रेफ्रिजरेटर, जिसे हम आम तौर पर भाषा में बोलते हैं फ्रिज। तो मैं आपको बेसिकली इस वीडियो का मोटिव आज का यही रहेगा, अगर आप सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर खरीदने वाले हैं तो ये इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा, बाइंग गाइड मैं आपको बताऊंगा, जिसके अंदर ऐसे गाइडिंग पॉइंट्स लिखूंगी जो कि आपको सही दिशा में गाइड करेंगे कोई सा भी सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर अपने लिए खरीदने से पहले। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं पॉइंट्स को, और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप उन्हें ऑनलाइन खरीदें या फिर ऑफलाइन खरीदें, बस जो आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा, मैं आपको पहले तो फॉर्म्स बताऊंगा कि कितने तरीके के रेफ्रिजरेटर्स भी होते हैं, बस आप फिर बाद में आपको बाइंग गाइड के पॉइंट्स बताऊंगा, बस आपको वो बाइंग गाइड के पॉइंट्स याद रखने हैं। आप कोई सा भी सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर ऑनलाइन खरीदें या फिर ऑफलाइन खरीदें, इससे फर्क नहीं पड़ता, बस आप ये पॉइंट्स याद रखिएगा, हमारे लिए यही मेन है। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, पढ़ते हैं उन्हीं बाइंग गाइड्स के पॉइंट्स की तरफ। दोस्तों, फर्स्ट कोई सा भी रेफ्रिजरेटर खरीदने से पहले आपका ये फर्ज बनता है जानना, आपके रिसर्च के लिए, आपकी नॉलेज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक बात है कि कितने तरीके के रेफ्रिजरेटर्स मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। जो आने वाली बाइंग गाइड होगी, मैं आपको वैसे तो सिंगल डोर के बारे में बताने वाला हूं, जो कि जिनकी हाइट थोड़ी सी छोटी होती है और वो 2 से 3 लोगों के लिए, या फिर मैक्सिमम अगर 4 लोग आपकी फैमिली उनके लिए, या फिर बैचलर्स लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है। लेकिन इनसे हटके भी काफी तरीके के फॉर्म्स होते हैं रेफ्रिजरेटर्स की, फ्रिज की काफी तरीके की फॉर्म होती है। तो फर्स्ट नंबर पर अगर हम देखते तो हमारे पास आता है टॉप फ्रीजर रेफ्रिजरेटर, जैसे कि आप मेरे साइड में देख सकते हैं कुछ इस तरीके के दिखते हैं। इनके अंदर बेसिकली खास बात ये होती है, जो फ्रीजर होता है किसी भी रेफ्रिजरेटर के, फ्रिज के अंदर, वो बेसिकली ऊपर होता है और नीचे आप सब्जी वगैरह या फिर जो भी मेन सेक्शन बड़ा वाला होता है वो होता है इसके अंदर। सेकंड नंबर पर अगर फॉर्म की बात करते हैं तो आते हैं साइड बाय साइड फ्रीजर, कुछ इस तरीके के होते हैं जैसे कि आप मेरे बराबर देख सकते हैं। इनके अंदर जो डोर होता है वो साइड बाय साइड खुल सकता है, आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से और कितने सेक्शन में पूरा का पूरा फ्रिज डिवाइडेड रहता है। थर्ड नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो आते हैं बॉटम फ्रीजर, इसका मतलब ये है जिसके मैंने आपको फर्स्ट वाला बताया था उसके अंदर ऊपर फ्रीजर होता है लेकिन इसके अंदर नीचे फ्रीजर होता है, कुछ इस तरीके का दिखता है जैसे आप देख सकते हैं मेरे साइड में। आगे बात करते हैं एक और नई फॉर्म की, तो वो है फ्रेंच डोर फ्रिज या फिर फ्रीजर, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का होता है, अंदाजा लगा सकते हैं देखकर किस तरीके से आप इसको खोल सकते हैं, कितने सेक्शन इसके अंदर है टोटली। लास्टली बात करते हैं तो वो आता है मिनी फ्रिज, इसका मतलब ये होता है कि बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, अगर आप एक सिंगल पर्सन है, अगर आप इंट्रोवर्ट है, अगर आप ज्यादा किसी से घुलना मिलना नहीं चाहते, पूरा अलोन रहना आप पसंद करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, जैसे आप देख सकते हैं। इन सब में कंपेयर करें तो सबसे लास्ट वाला जो मिनी फ्रीजर मैंने आपको बताया, ये वाला, ये सबसे छोटा होता है, अगर आपके पास बहुत ही ज्यादा कम स्पेस है तो आपके लिए बहुत ही आइडियल है। तो चलिए दोस्तों, ये तो मैंने आपको फॉर्म्स बता दिए 500 तरीके के कौन-कौन से होते हैं। तो अब जो मेन सेक्शन है वीडियो को आने वाला जो होगा, मैं आपको बाइंग गाइड बताऊंगा जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो आपको ये वाले पॉइंट्स हमेशा याद रखना है कोई सा भी सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर अपने लिए खरीदने से पहले। तो चलिए दोस्तों, बाइंग गाइड के पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। सो दोस्तों, पहले नंबर की चीज जो कि आपको हमेशा याद रखनी है वो है प्राइस का, और मैं आपको हमेशा बताता हूं कि प्राइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हमें हमारा बजट भी देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कि हम इस चीज को खरीद पाएंगे या नहीं खरीद पाएंगे। सो दोस्तों, आमतौर पर जो सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर्स होते हैं उनका जो मिनिमम प्राइस है वो 15,000 रुपए या 15,500 रुपए से लेकर 17,000 से 17,500 रुपए तक चले जाता है। और इन सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर्स जो जितने भी मार्केट में अवेलेबल हैं उनके प्राइसेस जो हैं डिफर करते हैं कि वो किस ब्रांड को बिलोंग करते हैं, सबसे खास बात ये है, और बेसिकली वो कौन से फॉर्म में है। अगर आप सिंगल डोर के अलावा भी कोई सा रेफ्रिजरेटर अपने खरीद रहे हैं तो इससे भी प्राइस जो है वो ऊपर नीचे हो जाता है, और साइज भी डिपेंड करता है, साइज पर भी निर्भर करता है कि आपके जो सिंगल डोर का रेफ्रिजरेटर है अगर आप खरीद रहे हैं तो साइज उसका कितना है, थोड़ा सा बड़ा है, हाइट छोटी है, कम है, या फिर कितनी शेप उसकी, किस तरीके की, डिजाइन उसका किस तरीके का, इस चीज से भी उसका प्राइस जो है ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। और बेसिकली स्टार रेटिंग जो होती है, स्टार रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, स्टार रेटिंग से भी दाम जो है ऊपर नीचे हो सकता है। मैं आने वाले पॉइंट्स में आपको बताऊंगा, स्टार रेटिंग भी बहुत अच्छा फैक्टर होता है जो कि प्राइस को ऊपर नीचे कर देता है। और वेट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रेफ्रिजरेटर का, वेट से ही ये होता है कि जितना जितना वो हैवी, कुछ लोग ये मानते हैं कि जितना हैवी रेफ्रिजरेटर होता है उतना ही ज्यादा वो स्टडी होता है, और कुछ लोग ये मानते हैं कि वो अगर जितना भी हल्का होगा तो वो थोड़ा सा उनके लिए ईजी हो जाता है, लेकिन वेट भी इसके प्राइस को ऊपर नीचे कर देता है, क्योंकि वेट का ज्यादा होना इसका मतलब यह है कि उसके अंदर ज्यादा इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल हुआ हुआ है। और वारंटी आपको मिलती है या नहीं मिलती, इससे भी प्राइस जो है ऊपर नीचे हो जाता है, तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना होगा। और बेसिकली अगर हम देखते हैं तो सीजन का भी आपको ध्यान रखना होगा, आप किस सीजन के अंदर रेफ्रिजरेटर खरीद रहे हैं। अगर आप अगर मैं कहूं कि अगर आप बहुत ही
गर्मियां बहुत ही ज्यादा बढ़ गई हैं और आप बहुत चरम पर हैं गर्मियां, तो आप लेना चाहते हैं तो हो सकता है उसका प्राइस थोड़ा सा अप हो, लेकिन जाती जाती गर्मियों में अगर आप उसको खरीद रहे हैं तो हो सकता है उसका प्राइस जो है थोड़ा सा कम हो जाए। और बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर्म पर भी डिपेंड करता है, फॉर्म पर भी इनके प्राइस जो है ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो बेसिकली आपको कुल मिला के आपको प्राइस का ध्यान रखना है कि आपका बजट कितना है, तो आपको ये पॉइंट हमेशा याद रखना ही रखना चाहिए। दूसरे नंबर की चीज़ दोस्तों जो कि आप हमेशा याद रखें वो है साइज का। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये चार्ट आपको हेल्प करेगा। अगर मैं आपको बताऊं तो जब भी हम कोई रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं तो उसकी जो हम कैपेसिटी नापते हैं वो कितना साइज उसका हम जो नापते हैं वो लीटर्स के अंदर नापते हैं। इसका मतलब कितना लीटर अपने अंदर ले सकता है, उसकी कैपेसिटी जो है हम लीटर के हिसाब से नापते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 50 से 80 लीटर वाला अगर आप कोई रेफ्रिजरेटर ले रहे हैं सिंगल डोर, तो एक यूजर के लिए सबसे ज्यादा बढ़िया है। 150 से लेकर 250 लीटर वाला अगर आप कोई रेफ्रिजरेटर ले रहे हैं तो तीन लोगों के लिए सबसे आइडल माना जाता है, सबसे बढ़िया माना जाता है। और उससे अगर हम आगे बढ़ते हैं जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 250 से लेकर 350 या फिर 330 लीटर तक का अगर आप लेते हैं तो पांच लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। और अगर इस 330 या फिर 350 से ऊपर वो चला जाता है तो 350 से लेकर 490 लीटर का ये फुल साइज वाला रेफ्रिजरेटर आप ले सकते हैं और ये 6 लोगों के लिए सबसे बड़ा माना जाता है। और ये हटकर हो जाता है तो ये डबल डोर रेफ्रिजरेटर बन जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर 350 लेके 490 लीटर वाला अगर आप ले रहे हैं जो कि 6 लोगों से ऊपर वाली लोगों के लिए है, इसका मतलब अगर फैमिली के अंदर आपकी बिग फैमिली है तो बिग फैमिली के लिए बहुत ही बढ़िया। और इस कैपेसिटी से अगर ये आगे चला जाता है तो ये सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर नहीं रहता है तो ये डबल डोर रेफ्रिजरेटर बन जाता है, जो कि एक अलग ही फॉर्म है, सिंगल डोर से एक अलग ही फॉर्म है जिसके अंदर दो दरवाजे होते हैं। तो दोस्तों आप साइज हमेशा देख लें, इस चार्ट की मदद से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जो कि आप बाद में रेफरेंस ले सकते हैं इससे अगर आप खरीदते हैं या ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, वो आपके ऊपर है टोटली। तो आप साइज का हमेशा ध्यान रखें, ये वाला पॉइंट आपको हमेशा याद रखना चाहिए। दोस्तों तीसरा नंबर का जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको हमेशा याद रखना चाहिए, वो है स्टार रेटिंग का। कुछ लोग ये सोचते हैं एक स्टिकर लगा हुआ था जिसके आप मेरे पर देख सकते हैं, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे बड़े जो मेजर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं एसी हो गए, फ्रिज हो गए और बहुत तरीके के मिक्सर्स वगैरह हो गए, तो इसके अंदर एक स्टिकर लगा हुआ था जिसके आप मेरे पर देख सकते हैं जो कि आपको स्टार रेटिंग बताता है। कुछ लोग इसको बिल्कुल ही कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं, वो सोचते हैं कि ऐसे रिव्यूज के हिसाब से स्टार रेटिंग वगैरह इसके अंदर दी होती है, लेकिन ये स्टार रेटिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि जितनी ज्यादा स्टार रेटिंग होगी, जितने ज्यादा स्टार होंगे वो उतना ही एनर्जी एफिशिएंट होगा। इसका मतलब ये है कि वो आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी को उतना ही कम यूज करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि आप अपने हिसाब से देख लीजिए और इस स्टार रेटिंग के हिसाब से, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया था कि इस स्टार रेटिंग के हिसाब से भी प्राइस जो है ऊपर नीचे हो सकते हैं। अगर कोई 3 स्टार रेटेड अगर आप कोई सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर खरीदे तो उसका प्राइस थोड़ा सा कम होगा, लेकिन अगर आप 5 स्टार रेटिंग वाला ले रहे हैं या फिर 4 स्टार या फिर 4.5 स्टार रेटिंग वाला कोई सा भी सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर ले रहे हैं तो उसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो आप ये हमेशा याद रखें कि स्टार रेटिंग आपको कौन सी वाली चाहिए। आपको प्राइस ज्यादा चाहिए, मतलब आपको अगर प्राइस ज्यादा पे करना पड़ रहा है और आपको स्टार रेटिंग ज्यादा मिल रही है आपको ये चाहिए, या फिर अगर आपको प्राइस और स्टार रेटिंग कम मिल रही है तो अगर आपको ये चाहिए, तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से। तो मैंने आपको ये बता दिया, आप स्टार रेटिंग का पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। दोस्तों चौथे नंबर की चीज जो कि आप हमेशा याद रखें वो है शेल्फ टाइप का। कुछ लोग इसे समझ नहीं पाते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप ऑनलाइन शॉप करते हैं और अमेजॉन की वेबसाइट पर जाते हैं तो वहां पर आपको स्पेसिफिकेशन में फ्रिज की या फिर रेफ्रिजरेटर की एक वर्ड मिलेगा शेल्फ टाइप। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी फ्रिज को खोलते हैं तो उसके अंदर एक लेयर्स दी होती है, उसके अंदर जो है एक वो दी हुई होती है जिसके अंदर शेल्फ लगी होती है जिसके ऊपर आप अपना सामान रखते हैं। सो दोस्तों इसका मतलब ये है कि वो स्पिल प्रूफ होनी चाहिए। स्पिल प्रूफ का मतलब ये होता है कि अगर वो आप हिलाएं उसको तो ज्यादा आपका जो सामान रखा हुआ हिलेगा डोलेगा नहीं, और वो रिमूवल इसका मतलब बाहर भी वो निकल जाते हैं। बेसिकली सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये है कि जिसको हम ट्रे बोलते हैं, जो ट्रे आप निकाल भी लेते हैं और उसे आप बाद में लगा भी देते हैं। तो आप इस चीज का ध्यान हमेशा रखें अगर आप कोई सा भी सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर खरीद रहे हैं इस शेल्फ टाइप को देखकर, तो आप ये हमेशा देखें कि वो स्पिल प्रूफ उसका होना चाहिए। आप किसी भी दुकानदार से पूछें या फिर स्पेसिफिकेशन आप अमेजॉन पर या फिर किसी भी वेबसाइट पर आप देखें ही देखें कि स्पिल प्रूफ हो वो ज्यादातर और रिमूवेबल हो। और अगर आप सिंपली सी अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं और अच्छे तरीके से, तो अगर आप ज्यादा प्राइस पे कर रहे हैं तो वो स्पिल प्रूफ जरूर होना ही होना चाहिए और रिमूवेबल भी होना चाहिए और बहुत ही स्टेडी मटेरियल उसका होना ही होना चाहिए। तो आप ये हमेशा याद रखिएगा जब भी आप कोई रेफ्रिजरेटर अपने लिए खरीद रहे हैं सिंगल डोर, तो उसका जो आपको शेल्फ टाइप मिल रहा है वो आपको स्पिल प्रूफ मिले और रिमूवल भी हो, तो बहुत ही बढ़िया बात है। दोस्तों पांचवी चीज अगर मैं आपको बताऊं जो कि आप हमेशा याद रख सकते हैं कोई से भी सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर अपने खरीदने से पहले, तो वो है वारंटी का। इस पॉइंट को आप हमेशा याद रखिएगा क्योंकि देखिए मैं आपको जो रेफ्रिजरेटर के बारे में बता रहा हूं, तो रेफ्रिजरेटर कोई कम सस्ते तो आते नहीं है, ये ज्यादातर महंगे ही आते हैं 15,500 से लेकर 17,000 रुपए। तो जब भी हम कोई ज्यादा महंगा प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं या फिर खरीदते हैं तो आपको ये हमेशा एक्सपेक्ट करना चाहिए आपको उसके ऊपर वारंटी जरूर मिले ही मिले। आमतौर पर जो फ्रिज होते हैं जो कि रेफ्रिजरेटर सिंगल डोर वाले होते हैं
उनके अंदर जो उनकी बॉडी होती है, जो प्रोडक्ट ओवरऑल प्रोडक्ट की होती है डैमेज वगैरह की, तो आपको उसके ऊपर एक साल की वारंटी मिलनी ही मिलनी चाहिए। और उसका कंप्रेसर जो होता है उसके ऊपर आपको कम से कम 10 साल की वारंटी तो मिलनी ही मिलनी चाहिए। कंप्रेसर खास तौर से मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कंप्रेसर जो है, जैसे हमारे ह्यूमंस के अंदर जो है, दिल को ही मैं कंप्रेसर बोलूंगा। अगर मैं ह्यूमन अपने आपको फ्रिज के अंदर कन्वर्ट कर लूं तो मेरा दिल ही है जो मेरा कंप्रेसर होगा अगर मैं एक फ्रिज में कन्वर्ट हो जाता हूं। तो इस वजह से जो कंप्रेसर होता है वो हार्ट होता है, उसी से ही सारी फंक्शनिंग जो है सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर की या फिर किसी भी रेफ्रिजरेटर की कंप्रेसर से ही होती है। तो आप ये हमेशा देख लें कि आपको वारंटी जरूर मिले ही मिले, और एक साल की कम से कम मिनिमम वारंटी तो आपको मिले ही मिले। और अगर आप एक्सीड कर रहे हैं, सिंगल डोर बहुत ही बढ़िया वाले ब्रांड का ले रहे हैं, तो आप देखेंगे एक साल से ज्यादा आपको प्रोडक्ट के ऊपर मिले ही मिले, और मिनिमम जो है एक साल की मिले ही मिले, और कंप्रेसर के ऊपर आपको मिनिमम कम से कम 10 साल की वारंटी तो आपको मिले ही मिले। ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना होगा। दोस्तों छठी चीज जो कि आप हमेशा याद रखें वो है ओवरऑल लुक। आप कलर के हिसाब से, डिजाइन के हिसाब से, अपने हिसाब से देखें कि आपको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा। अगर आपके वॉल का कलर पर्पल है तो आप अपने हिसाब से देखें कि आपको क्या चीज भाई, या फिर आप कोई चार्ट ले सकते हैं जो कि कलर को दिखाती है कि कौन कौन से, या फिर बहुत तरीके ऐसे ऐप आते हैं जो कि आप देख सकते हैं लगाकर कि आपका अगर फ्रिज इस कलर को मैं इस कलर में मिक्स करूंगा तो मुझे कौन सा अच्छा लगेगा। तो आपने ओवरऑल लुक के हिसाब से, फ्रिज के हिसाब से देख लीजिएगा आपको कौन सा वाला पसंद है। तो आप इस चीज को भी याद रखिए, पर्सनल ओपिनियन से ज्यादा रिलेट करता है। दोस्तों सेवंथ नंबर की जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आप हमेशा याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है बाइंग गाइड के पॉइंट के अंदर, वो है डीफ्रॉस्टिंग का। डीफ्रॉस्टिंग का मतलब ये होता है कि जब भी हमारा फ्रिज जो है, रेफ्रिजरेटर जो है, वो ज्यादा ठंडा हो जाता है तो उसके अंदर आपने देखा होगा फ्रीजर के अंदर भी बहुत ज्यादा बर्फ जम जाती है जिसे आप हाथ से उठाते हैं, या फिर कभी कभी ना कभी आप उसे प्लास्टिक से तोड़ने की कोशिश करते हैं, पेचकस से तोड़ने की कोशिश करते हैं, किसी नाइफ से काटने की कोशिश करते हैं ताकि वो गिर जाए। तो डीफ्रॉस्टिंग का मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, ये ऐसा फीचर होता है किसी भी रेफ्रिजरेटर के अंदर जो कि टाइम टू टाइम आपकी बर्फ को पिघला देता है, जो कि आपकी आइस जम जाती है आपके फ्रिज के अंदर, वो उसे ऑटोमेटिकली पिघला देता है। तो डीफ्रॉस्टिंग भी बेसिकली दो तरीके की होती है, जो जहां ज्यादा महंगे रेफ्रिजरेटर होते हैं उनके अंदर ऑटोमेटिकली टाइम टू टाइम अपने हिसाब से वो फ्रिज जो है डिटेक्ट कर लेता है कि बर्फ ज्यादा हो रही है, तो अपने आप ही पानी को घोल कर बाहर निकाल देता है। और अगर आप थोड़ा सा सस्ता वाला ले रहे हैं या फिर 15,000 से नीचे वाली रेंज में ले रहे हैं तो आपको उसे मैनुअली करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसे जबरदस्ती निकालते हैं, इसका मतलब मैनुअली अलाउड होता है। इसका मतलब ये है कि आप उसे अपने हिसाब से जो है, आप उस बर्फ को अपने हिसाब से निकाल लें। इसका मतलब ये कि कंपनी भी अलाउ करती है आपको कि आप उसे मैनुअली निकाल सकते हैं। तो कुछ रेफ्रिजरेटर के अंदर, कुछ ऐसे भी होते हैं रेफ्रिजरेटर जिनके अंदर ये दोनों फीचर होते हैं, जिसके अंदर आप मैनुअली सेटिंग करकर उसे, उस सेटिंग को रोक कर अपने हिसाब से निकाल सकते हैं बर्फ को, या फिर आप उसे ऑटोमेटिकली उस बटन को दबाकर, कोई सा भी ऐसा फीचर आते हैं जो कि आप उसे ऑटोमेटिकली डिफ्रॉस्ट कर सकते हैं। तो डिफ्रॉस्टिंग का मतलब मैंने आपको बताया, जो कि एक्स्ट्रा बर्फ जम जाती है उसे घोलने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप ये हमेशा देख लें कोई सा भी रेफ्रिजरेटर खरीदने से पहले कि आपको मैनुअली उस बर्फ को तोड़कर निकालना पड़ेगा, पिघलाना पड़ेगा, या फिर उसके अंदर ऑटोमेटिकली ऐसा फीचर है जो कि बर्फ को ऑलरेडी अपने आप ही पिघला देगा। तो आप ये देख लें कि इस चीज से भी जो है प्राइस ऊपर नीचे हो जाता है। आपको मैनुअल मिल रहा है तो उसका प्राइस थोड़ा सा बेसिक ही होगा, और अगर आपको ऑटोमेटिक वाला फीचर मिल रहा है जो कि आसानी से अपने आप ही उस बर्फ को पिघला देगा तो उसका प्राइस थोड़ा सा महंगा हो जाएगा। तो ये डिफ्रॉस्टिंग वाला पॉइंट आप हमेशा याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एट नंबर का आठवां जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आप हमेशा याद रखें, उसके अंदर कुछ ऐसे अदर फीचर्स आते हैं जैसे कि बेस स्टैंड ड्रॉर। इसका मतलब यह है कि एक ऐसा ड्रॉर होता है, जो बेस होता है फ्रिज का, जो कि स्टैंड होता है, उसके अंदर एक ऐसा ड्रॉर होता है जिसके अंदर आप सब्जी वगैरह रख सकते हैं, जिसके आप मेरे बराबर स्क्रीन पर देख सकते हो। तो ये एक ऐसा फीचर है जो कि आपको एक अच्छी प्राइस रेंज में मिल सकता है। और दोस्तों सेकंड नंबर जो है वो है वेजिटेबल ट्रे की कैपेसिटी। इसका मतलब ये है कि जब आप मेन डोर को फ्रिज को खोलते हैं तो उसके सबसे नीचे वाला जो एक सेक्शन होता है, जिसके अंदर एक ट्रे होती है, बड़ी सेक्शन होता है, तो उसके अंदर आप सब्जी वगैरह डायरेक्टली जाकर रखते हैं, तो उसकी कैपेसिटी आपको कितनी मिल रही है। सिंगल डोर में भी काफी अलग अलग तरह की कैपेसिटीज वाले आते हैं जिनकी हाइट ऊपर होती है या फिर वो थोड़े से ब्रॉड होते हैं आगे पीछे से। तो आप इसके हिसाब से भी देख लीजिएगा कि आपको कितनी कैपेसिटी लीटर के हिसाब से ये नापी जाती है, ये वेजिटेबल ट्रे वाली कैपेसिटी। तो आप ये देख लीजिए आपको कितने लीटर में आपको मिल रही है। और एक इंपॉर्टेंट फीचर ये है अदर फीचर्स में, डोर का लॉक। कि कोई कोई रेफ्रिजरेटर ऐसा आता है जिसके अंदर लॉक लगा हुआ होता है, आप कुछ चाबी उसको आप लॉक करके जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप किसी टेरिस पर रह रहे हो तो वहां पर मंकीज वगैरह बहुत आते हैं, तो आप उसको लॉक कर जा सकते हैं ताकि आपका अंदर का सामान वो सेफ रहे। तो इसके हिसाब से भी प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। अगर आपके अंदर डोर का लॉक मिल रहा है तो उसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा। और अगर आपको नहीं मिला तो उसका वही बेसिक प्राइस होगा। अदर फीचर में बात करते हैं तो कुछ ऐसे भी आते हैं जो कि स्टेबलाइजर के साथ वर्क करते हैं, और कुछ ऐसे रेफ्रिजरेटर आते हैं जिनके अंदर आपको स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस चीज से भी प्राइस जो ऊपर नीचे हो सकता है। एक और लास्ट अगर हम कहें तो होम इन्वर्टर के ऊपर काम करता है। इन्वर्टर से जो पावर्ड होते हैं रेफ्रिजरेटर वो भी आते हैं, और आपको देख लेना होगा कि वो इन्वर्टर से आपके होम इन्वर्टर से चलता है या नहीं चलता है। तो इससे भी प्राइस जो ऊपर नीचे हो सकता है, ये वैसे नई टेक्नोलॉजी है। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं बेसिक जो कि आप हमेशा देख लें, ये इंपॉर्टेंट फीचर है कोई सा भी रेफ्रिजरेटर अपने लिए खरीदने से पहले। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिए। तो दोस्तों ये आठ तरीके के मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैंने आपको बता दिए, जो कि आपको हमेशा याद रखना है कोई सा भी सिंगल
सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर अपने लिए खरीदने से पहले अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैं भूल गया हूँ इस वीडियो में इस बाइंग गाइड के अंदर बताना, तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हम अगर वो इंपॉर्टेंट हमें लगता है तो हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे, आपको बताएंगे कि हाँ हम गलत थे और हम आपको बिल्कुल अप्रिशिएट करेंगे उसके ऊपर। और दोस्तों मैं आपको एक और बार बता देता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि इन्हीं पॉइंट्स से रिलेटेड मैं आपको बेस्ट वीडियो बना के दिखाऊं कौन से रेफ्रिजरेटर इस टाइम सबसे बेहतरीन वाले चल रहे हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा। और दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करिए, बिल्कुल हमें बहुत सपोर्ट मिलता है जब आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, और इसे बिल्कुल शेयर करिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें एक बजट फ्रिज की तलाश होती है, एक बजट सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर की तलाश होती है, उन्हें शेयर करिए बिल्कुल जितना हो सके अपने फैमिली मेंबर्स में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव में जो कि बैचलर हैं या फिर जिन्हें सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर की तलाश है। और दोस्तों एक और खास बात यह है कि खोज डील के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे ताकि ऐसी वीडियोस, ऐसी नॉलेजेबल भरी वीडियोस, नॉलेज भरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलो दोस्तों ऐसी धमाकेदार वीडियोस के साथ हम मिलते रहेंगे आपसे अगली वीडियोस में।